नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकुश और आप देख रहे हैं ऑल अबाउट सिविल। इस चैनल पर हम सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड सभी टेक्निकल रीजन को डिस्कस करते हैं और इंटरव्यू में जो भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं उन पर बातें करते हैं। देखते हैं आज का सवाल क्या है। आज का सवाल है एक्सिस एंड सीमेंट। पिछली वीडियो में मैंने आपको LSEM के बारे में बताया था, उससे पीछे मैंने वीडियो में आपको सलीम के बारे में बताया था। इस वीडियो में बात करेंगे, अगर ये LSEM मेरा एक्सेस हो जाता है, लाइम मेरा ज्यादा हो जाता है, सिलिका मेरा ज्यादा हो जाता है, एल्यूमिना मेरा ज्यादा हो जाता है, तो सीमेंट में कैसी प्रॉपर्टी शो होंगी। चलिए बात करते हैं इनके बारे में। सबसे पहले आता है लाइम, जो कि 63% था, जिसका केमिकल फॉर्मूला CaO था। अगर लाइम मेरा 63% से ज्यादा हो जाता है तो क्या होगा। दो मेजर प्रॉब्लम मुझे इसमें देखने को मिलेंगी, एक तो मेरा स्ट्रेंथ रिड्यूस हो जाएगी और सीमेंट मेरा अनसाउंड हो जाएगा। साउंडनेस और अनसाउंडनेस क्या होता है मैं पीछे वीडियो में बता चुका हूं। सिलिका जो कि 20% है, जिसका केमिकल फॉर्मूला SiO2 है, अगर वो 20% से ज्यादा हो जाता है तो क्या होगा। सिलिका मेरा कंट्रोल करता है स्ट्रेंथ को, अगर वो एक्यूरेट अमाउंट में है, अगर 20% से ज्यादा हो जाएगा तो सेटिंग टाइम जो है मेरा सीमेंट का वो बढ़ जाएगा। एल्यूमिनिया जो रिस्पॉन्सिबल था क्विक सेटिंग टाइम के लिए, अगर वो ज्यादा हो जाता है तो क्या होगा। एल्यूमिनिया के ज्यादा होते ही हमें लोअर स्ट्रेंथ देखने के लिए मिलेगी, सीमेंट की जो स्ट्रेंथ है वो लो होना स्टार्ट हो जाएगी। आयरन ऑक्साइड जो 3% था, अगर वो ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा। ग्रे कलर जो है हमारा, आपको मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, जो ग्रे कलर है स्टील में सीमेंट में वो आयरन ऑक्साइड की वजह से आता है। अगर आयरन ऑक्साइड ही ज्यादा हो जाएगा तो फिर डिसकलर जैसी चीजें हमें वहां पर देखने को मिलेंगी। मैग्नीशिया जो कि 2% है, जिसका केमिकल फॉर्मूला MgO है, अगर वो ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा। मैग्नीशिया जो हार्डनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल था, यहां पर अगर मैग्नीशिया ज्यादा हो जाता है तो सीमेंट मेरा अनसाउंड हो जाएगा। अब जैसे ही आपका जवाब यहां पर खत्म होगा LSEM के बारे में, अगला क्वेश्चन इंटरव्यूअर आपसे कुछ भी पूछ सकता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट पूछ सकता है, सीमेंट की क्वांटिटी पूछ सकता है, सीमेंट के केमिकल टेस्ट, फिजिकल टेस्ट, बॉक्स कंपाउंड, OPC, PPC कुछ भी पूछ सकता है। इनके लिए आगे वीडियोस मेरी आती रहेंगी। थैंक यू।